गौतम बुद्ध नगर से 16 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जिसमें से एक उम्मीदवार मुमताज आलम है। हमारे संग बातचीत करने के लिए और जगह जगह जाकर वो वोट मांग रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। सर, आप निर्दलीय चुनाव में मैदान में खड़े हुए हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं और क्या लग रहा है? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाल के मेरे पास आए और हमारी बातों को जनता तक पहुंचाने का काम भी करेंगे जी। और सब इसके अलावा एक अपील मेरी और रहेगी कि आने वाली 26 तारीख को जनता से ये अपील है कि घर से निकल के वोट करें, अपना मत का दुरुपयोग नहीं उपयोग करें। ठीक है, मुद्दे क्या है इस बार के चुनाव में, लगातार आप लोगों के फिर बीच में जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे हमारे किसान को लेके हैं, शिक्षा को लेके हैं, स्वास्थ्य को लेके हैं और जो मूलभूत सुविधाएं उनकी हैं, बहुत सारी उनकी ऐसी जो उनको नहीं मिल पा रही है, वो सारी चीज को हम लेके उनके बीच में जा रहे हैं। लोगों का समर्थन मिल रहा है जनसंपर्क के दौरान? बहुत भरपूर मिल रहा है और जनसंपर्क हम जो कर रहे हैं, घर घर डोर टू डोर जा रहे हैं, हम गलियों में घूम रहे हैं, मार्केटों में घूम रहे हैं, बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है। युवाओं के लिए क्या कहेंगे? युवाओं के लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो युवा 18 से ऊपर के हैं वो भी घर से निकले। आपको नौकरी नहीं मिल रही, अगर ये गवर्नमेंट बनी तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको भजिया ही तलनी पड़ेगी, आपको ठेली ही लगानी पड़ेगी। इन सब से अगर उठना है आपको वोट करना पड़ेगा, अपना सही प्रतिनिधि चुनना पड़ेगा ताकि आपको नौकरी रोजगार ये सब मिल सके, आपकी आवाज आगे पहुंच सके। उसके लिए अगर आप घर से उठ के वोट करना बहुत जरूरी है। आप पहले सपा के नेता थे, आखिर ऐसी क्या चीजें हो गई कि आप सपा से अलग हो गए और चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए? सपा में मैं प्रदेश सचिव के तौर पर मैंने काम किया है और निष्पक्ष रह के और बहुत ईमानदारी के साथ काम किया। आप किसी भी नोएडा स्तर के जितने भी नेता हैं सपा के, उनसे आप पूछ भी सकते हैं, किसी के लिए मेरे लिए गलत फीडबैक नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे काम जो थे, जो लोग मैं जो लोगों की समस्या लेके पहुंचता था वहाँ पे, वो मेरे नहीं हो पा रहे थे। जब मुझे खुद ही सब कुछ करना है तो क्यों ना मैं खुद पूरी तरह जमीन पे उतर के करूँ। सपा से की तरफ से किसी ने रोकने का प्रयास किया हो, मनाने का प्रयास किया हो कि नहीं रुक जाइए चुनाव मत लड़िए? देखिए, ये सोच तो हमारी थी कि हमें चुनाव लड़ना है, फोन तो बहुत आए, रोकने की कोशिश भी करी गई, लेकिन जो हमने सोच रखा था अपने लोगों के लिए। सपा से टिकट मांगा था आपने? नहीं, टिकट तो अगर हमने नहीं मांगा, लेकिन हम कुछ अलग करना चाहते थे, अपनी आवाज़ को आगे पहुंचाना चाहते थे, अपनी जहां हम रह रहे हैं वहां के विकास को दिखाना चाहते थे। जैसे आप लोग आए तो यहां पे आप विकास देख रहे होंगे, तो ये भी एक माध्यम है। आप स्थानीय मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर बात करें पूरे देश की तो लोग मोदी को विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं, तो लोगों को कैसे, मतलब आप लोगों से कैसे संपर्क करेंगे कि एक तरफ विकास के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं लेकिन यहाँ पर स्थानीय मुद्दा है, लोग उसको लेकर भी वोट देने के लिए कह रहे हैं? देखिए, विकास सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है, कोई ऐसा विकास यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। पहले क्या हमारा स्तर था और आज हमारा स्तर क्या है? पहले कितने कांग्रेस को ये कहते हैं कि भाई इतना वो कर्जा करके चले गए, आज कर्जे का स्तर क्या है? ठीक है, ये तो सिर्फ जुमलेबाजी है, सिर्फ राजनीति जो खेल खेल रहे हैं, सिर्फ धर्म पे लड़ा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो मैं आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा। टक्कर किससे लग रही है आपको गौतम बुद्ध नगर से? गौतम बुद्ध नगर डॉक्टर महेश शर्मा से टक्कर है। ठीक है, और वो समझते हैं कि उन्होंने अपना जन आधार नोएडा में उन्होंने अपना बना रखा है, तो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर वो गलतफहमी आपको दूर करनी है तो आप मैदान में आ जाइए अगली बार निर्दलीय और मेरे साथ चुनाव लड़िए जैसे मैं लड़ रहा हूँ। इस बार जीत रहे हैं आप? मैं बिल्कुल 1.5 लाख वोटों से जीत रहा हूँ। तमाम इनके समर्थन है और जगह जगह जाकर वोट के लिए लोगों से अपील भी कर रहे हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नरेंद्र सिंह। अच्छा, इनके संग जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा लोग, लोग जिताएंगे इन्हें? बिल्कुल। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? सियाराम यादव। अच्छा, किन मुद्दों पर इस बार वोट देंगे? मैं देखो यहाँ के जो परेशानी है, नाली है, कचरा है, साफ सफाई है, शिक्षा है, और किसी को हॉस्पिटल की दिक्कत है, जैसे किसी को डिलीवरी हुई, किसी को परेशानी हुई, किसी को एक्सीडेंट या कुछ हो गया, भगवान ना करे किसी को, तो इन मुद्दों को ये बहुत पहले से करते चले हैं। हाँ, बिना किसी पार्टी के, बिना उसके, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। इस बार आप मोदी के नाम पे वोट नहीं देंगे? नहीं नहीं, स्थानीय मुद्दों को लेकर। अब स्थानीय देखो जो हमारे पास में, वो हमारी बात सुनता, हम उसको देंगे। डॉक्टर महेश शर्मा यहाँ बहुत एक दो बार आए बुलाने पे भी, और दिखाया गया कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, कुछ काम हुए वो उल्टे सीधे हुए और सही भी नहीं हुए, बाकी तो हुआ नहीं कुछ। लीकेज फीकेज लैट्रिन लैट्रिन बाथरूम सब टपक रहे हैं, खूब दिखाया गया अच्छी तरह से, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस बार क्या लग रहा है? इस बार क्या लग रहा है, जो होगा वो सामने आएगा, रही बात उनको नहीं लाइक नहीं कर रहे हैं। वोट आप मुमताज जी को देंगे? हाँ, मुमताज को देंगे। हाँ, शिक्षा में उन्होंने सैकड़ों बच्चों को इतना एडमिशन करवा दिया अच्छे अच्छे स्कूलों में, जहाँ लोग सपना देखते जिंदगी भर। हाँ, फ्री कुल मिला के ये है कि आप मोदी, योगी और कमल के नाम पे, विकास के नाम पे वोट न दे, स्थानीय जो आपका मुद्दा है, जो आपके साथ दिन रात खड़ा रहेगा, आप उनको खड़े हैं, हम उनको वोट देंगे। और देना भी चाहिए, हर आदमी ये सोचे कि जो हमारे साथ खड़ा 24 आवर उसको वोट दे, हमारे काम आता है। साथ महिलाएं भी है। क्या नाम हुआ आंटी आपका? जय बगिया। इस बार किस मुद्दों को लेकर चुनाव में वोट देंगे आप? आलमगीर, मुमताज आलमगीर देंगे।
क्या लग रहा है इनके साथ, मतलब वोट देने का? तीन है ना, कोई कष्ट है ना मेरे साथ आएंगे। रेडी ने लगने नहीं देती है, मेरे पीछे हर चोरी करके मेरे के लिए लाइसेंस दिलवा दिया, सब कुछ दे रही है। हम यूपी की रहने वाली नहीं, हम तमिलनाडु के रहने वाली है। सब कुछ मेरे लिए जान देने के लिए वो तैयार है, हम उनकी देने के लिए तैयार है। दूसरे उम्मीदवार आए आपके पास की हम आपकी समस्या को समाधान करवाएंगे कभी? कोई आंटी, कोई दूसरा कोई समस्या को लेके कोई और उम्मीदवार आया आपके पास? नहीं, मुझे कोई नहीं। अच्छा, हाँ। तो आप ममता जी के साथ हैं? जी हाँ। तो इनके क्या मतलब, ऐसी क्या खासियत है, ऐसा क्या करते हैं लोगों के बीच में रह के? बच्चों का जो है एडमिशन करवाते और बाकी जो है हर कामों में सबकी मदद करते हैं। दीवार में पूरा पेड़ पौधा सब, पहले भी काम हुआ था कुछ भी जो है यहाँ नहीं, और नाली नूली का, टंकियों का, लाइटिंग सारी बह के नालियों में जाती है, हम इसके लिए क्या करेंगे? मतलब इनको आपको लग रहा है अगर जीत के जाएंगे तो लोगों के लिए काम करेंगे? जी हाँ। आंटी, आप किन मुद्दों को लेके यहाँ पर वोट देंगे इस बार? जो है अपने आप भाई साहब अपना समझ के सबको बताते, ये रास्ता चलिए, आप ऐसे हम साथ देंगे करेंगे, बिना कहे भी हम लोग को बताते हैं कि आपको बच्चे का एडमिशन हो जाए, करा देंगे, करा देते हैं। हमारे भी बच्चे कराए हैं, और लेटिंग का पानी टपक रहे, कितने बेर बोले कोई सुनाई नहीं आ रहा है। जब छत गिर जाएंगे, चलिए दिखाते हैं, तो छत गिर जाएगा तब एक बार आएंगे, मैं कोई सुनाई नहीं है। अच्छा, बस तमाम लोग हैं, उनसे ही बातचीत, उनसे ही बातचीत करेंगे। क्या नाम हो सर आपका? मुनव्वर आलम। अच्छा, इस बार मुस्लिम जो समाज है वो सपा का बसपा का वोटर हुआ करता था, लेकिन इस बार निर्दलीय प्रत्याशी मुमताज जी के साथ। ये यहाँ का सोच है जी, बीजेपी का कहना है कि मुस्लिम वोट हमें नहीं देगा, लेकिन ऐसा नहीं, जो अच्छा काम करता है उसी को वोट देते हैं। ये मुस्लिम और हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि जो मतलब मुस्लिम समुदाय है वो बसपा सपा का वोटर कहा जाता था, लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि अलग अलग भाजपा को भी देंगे, कुछ निर्दलीय को भी देंगे। तो किस आपका क्या मुद्दा है इस बार? बात ये है कि जो अच्छा काम करता आदमी उसी को वोट देना चाहिए, ये नहीं कि हम वो अच्छा नहीं कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा। महेश शर्मा आज की कहीं पे गया, वो वोट लेने के टाइम में आते हैं लेकिन उसके बाद कभी नजर नहीं आते हैं। कोई भी हो, कोई भी नेता हो, जीतने के बाद में वो कभी दिखाई नहीं दिए कि हाँ हमें क्या परेशानी किसकी है, क्या है नहीं है, कहीं कुछ नहीं। और भी युवा है हमारे संग बातचीत करने के लिए, क्या नाम हो सर आपका? किस मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट देंगे? आप युवा भी हैं, काफी चीजों को लगातार देख भी रहे होंगे। जैसे कि देखिए, बेसिक थिंग है कि आपको पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य हो गया, हॉस्पिटल हो गया। मेरा ही कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ तक कि एम्बुलेंस तक नहीं आ पाई। यहाँ पे 37 में है हॉस्पिटल, है सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पे मुझे लेके गए थे, आलम्बिया ही लेके गए थे मुझे वहाँ पे। यहाँ तक कि वहाँ से मुझे वो बोल रहे, डायरेक्ट उन्होंने बोला कि मुझे रेफर कर रहे हैं दिल्ली। इस क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पे हेड में इंजरी आई थी इंटरनल, तो बोल रहे हैं हमारे पास मशीन ही नहीं है। आपका कैसा हॉस्पिटल है कि आपके पास नोएडा सिटी में, इतना बड़ा यूपी का, इतना ये बड़ा सुविधा ही नहीं थी, मतलब सुविधा नहीं है कि आप रेफर कर रहे हो दिल्ली? इसी बात पे है कि बहुत सी चीजें हैं ऐसी। और महेश शर्मा की बात रही, महेश शर्मा को मैंने आज तक नहीं देखा कहीं पे कि यहाँ पे वोट देने आए हैं, या फिर वोट कहीं मिलने आए हैं किसी से, या फिर कहीं देखने आए हैं। मैंने आज तक नहीं देखा। पहले किसको वोट दिया था? मैंने इससे पहले समाजवादी पार्टी में दिया था, लेकिन भाई हमारे खड़े हुए हैं मेरे साथ में, तो मैं इनको ही दूंगा वोट। और भी लोग हैं, और भी युवा हैं। क्या नाम हुआ सर आपको? मोहम्मद नफीस। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? इस बार जीत पक्की है। अच्छा, काफी 1.5 लाख वोटों से, क्योंकि यहाँ पे जहाँ भी किसी भी पब्लिक से पूछते हो, किसी भी लोगों से, तो आपको आलम व्यवहार सब अच्छे ही बताएंगे, यानी कि कोई झूठ बोलेगा ये, क्योंकि यहाँ पे जितने भी काम हुए, जितने भी स्कूलों में एडमिशन वगैरह हुए, मेरा खुद कॉलेज में एडमिशन आलमेन करवाया था यहाँ पे एकलू में, या कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट तो सरकार देते बातों को, तो काफी सारी चीजें हैं, उन चीजों को लेके ही आलम को यहाँ पे दिया जाएगा वोट, और काफी सारी जगह। बिल्कुल, जैसा लग रहा है कि मुमताज जी को जो भी जगह जगह जाके वोट मांग रहे, तो लोग इनके समर्थन, ये लोगों के समर्थन में उतरते हैं, लोगों का काम करवाते हैं, जब भी लोग इनको पसंद कर रहे हैं, तो क्या इसमें सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल 100% सच्चाई है भाई साहब। हमारे आलम जी 24 घंटे हमारे इस काम के लिए, किसी भी काम के लिए सबके साथ 24 घंटे खड़े रहते हैं। विदाउट पार्टी भी इन्होंने काफी काम कर रहे हैं ये, और निर्दलीय इसलिए खड़े हैं कि पब्लिक की आवाज को आम आदमी तक पहुंचा सके, जो हाई लेवल पर सोसाइटीज बैठी हुई उन तक आम आदमी की आवाज पहुंच सके। आलम साहब इसीलिए खड़े हुए हैं, बाकी इनको कोई अपना पर्सनल मुद्दा नहीं। एक ये भी आम आदमी, गरीब आदमी, ये भी बाकी जो पार्टी के जो उम्मीदवार है सब हाई प्रोफाइल पैसे वाली पार्टी है, वो किसी को उनको आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। ये सब एक आम आदमी की तरह काम किया, उन्होंने पहले भी किया और अभी भी कर रहे हैं, इसलिए हम सब आलम भाई के साथ हैं। आपका क्या नाम हुआ? गौतम। गौतम जी, ये बताइए कि इसके अलावा
बीजेपी, बसपा, समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टी भी है, वो भी मैदान में है, तो उनको वोट ना देना और निर्दलीय उम्मीदवार को जिताना कैसे सोचते हैं आप? हम ऐसे सोचते हैं कि ये सब चीज हमारे लिए करते हैं और पब्लिक के बारे में अच्छा सोचते हैं, और जितना है कि वो महेश, डॉक्टर महेश शर्मा जी कुछ भी नहीं सोचते ना आते हैं यहाँ, उनका जीतने का मतलब तब होना चाहिए जैसे कि अगर वो आते करते, वो कुछ भी नहीं करते ऐसा कि जो लगे, हमारे हॉस्पिटल देख लीजिए, सारी चीज देख लीजिए, कुल मिलाकर हम निर्दलीय प्रत्याशी हैं और क्या नाम है, हम 1.5 लाख वोटों से जीते। आपकी टक्कर मतलब भाजपा से है? हाँ, बस मतलब सपा, समाजवादी पार्टी और बसपा को टक्कर में नहीं देख रहे आप? हम सबको टक्कर में देख, लेकिन जीतेंगे हम। तो ये थे तमाम लोग जिनका साफ तौर पर कहना है कि निर्दलीय प्रत्याशी जो मुमताज आलम है उनको भारी मतों से विजयी बनाएंगे, वो स्थानीय मुद्दे पर इनके साथ रहते हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि 26 अप्रैल को जो मतदाता हैं वो किसको वोट देते हैं। मैं नितिन पारासर, उत्तर प्रदेश टाइम्स, नोएडा।